हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपका बजट है 10,000 के आसपास और आप इस प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा फोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। देखिए, इन सभी फोन में कैमरा तो अच्छा मिलेगा ही, इसके अलावा अदर फीचर भी काफी कमाल का मिलेगा, जैसे पावरफुल प्रोसेसर, बड़ा बैटरी, अच्छा डिस्प्ले, ओवरऑल सभी फीचर जो है ना काफी कमाल का देखने को मिलेगा इन सभी फोनों में। ऐसे में हम आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो 10,000 के प्राइस रेंज में काफी कमाल फीचर के साथ मिल जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो। देखिए, यह फोन जो है हमारे लिस्ट का सबसे न्यूएस्ट फोन है, क्योंकि यह 20 या 25 दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है। तो एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे। 6.8 इंच का फुल HD प्लस एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा। 500 nits का ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिफ्रेश रेट तो इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जिससे आप अगर इस फोन में गेमिंग करना चाहिएगा तो वो भी काफी स्मूथली कर पाइएगा। आपको तो पता ही होगा कि गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं इस फोन में कौन सा प्रोसेसर है। MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। प्रोसेसर भी है ना इस फोन का काफी कमाल का दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। स्पीड से चार्ज करने के लिए 33 watt का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, यह चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। बैटरी से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। वहीं 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 196 ग्राम है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 4G SIM तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मैन इस फोन का कैमरा का, तो पीछे का कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है। अगर आप इस फोन से यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी काफी अच्छा रिकॉर्डिंग करेगा ये फोन। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए, यह फोन जो है ना केवल एक ही वेरिएंट में आता है और इस फोन को लेने के लिए आपको 9,999 रुपया पे करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फोन जब लॉन्च हुआ था ना, तो इस फोन का प्राइस 11,000 रुपया था। आप हमारी वीडियो को कब देख रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि इस फोन का प्राइस हो सकता है घट भी जाए, बढ़ भी जाए। अगर आप कोई न्यू स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा अच्छा फोन हमारे लिस्ट में अभी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का दूसरा फोन आता है सैमसंग के तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F12। अगर आपको सैमसंग ब्रांड का एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, वो भी 10,000 के अंदर में, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पहले इस फोन का बेसिक फीचर को देख लेते हैं, बाद में इस फोन का मैन फीचर को देखेंगे। यह फोन आपको भारी महसूस तो कराएगा, क्योंकि इस फोन का वेट 221 ग्राम है। भारी होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें 6000 mAh का बैटरी दिया गया है। 9.7 mm का थिकनेस है। 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 4G SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यह फोन जो है एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो एक जीनोस 850 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। प्रोसेसर भी इस फोन का ठीक ठाक ही दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000 mAh का नहीं बल्कि 6000 mAh का एक बड़ा बैटरा दिया गया है, जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। देखिए, बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिसको एक बार चार्ज करने पर आपको लंबा समय तक बैकअप दे देगा। अब बात करते हैं फोन का कैमरा का, तो इस फोन में ट्रिपल कैमरा नहीं बल्कि क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अगर आप इस कैमरा से यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो भी काफी बेस्ट होगा।
अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरियंट के लिए 9,499 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि 9,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फोन का प्राइस 11,000-12,000 के बीच में रहता है, लेकिन आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है इस फोन का प्राइस बढ़ गया होगा। तो आपको वेट करना होगा कि फ्लिपकार्ट पर जब सेल चलता है ना, तो फोन का प्राइस घट के कम हो जाता है, तब आप खरीद सकते हैं। अगर आपको सैमसंग का एक धांसू फोन चाहिए वो भी 10,000 के अंदर में, तब ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का तीसरा फोन आता है इन्फिनिक्स के तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 11S। देखिए यह फोन भी जो है ना कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है। तो हमेशा की तरह इस फोन का पहले बेसिक फीचर को देखेंगे, बाद में इस फोन का मेन फीचर को देखते रहेंगे। इस फोन का वजन आपको थोड़ा सा भारी महसूस कराएगा, क्योंकि इस फोन का वेट 205 ग्राम है। 8.8mm का थिकनेस है। यह फोन आपको ज्यादा मोटा नहीं दिखेगा। 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 4G सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यह फोन जो है एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था इस फोन का बेसिक फीचर। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। वही 500 nits का ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रिफ्रेश रेट का। तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट तथा 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। आपको पता ही होगा कि गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए। अब देखते हैं इस फोन में कौन सा प्रोसेसर लगा है। MediaTek Helio G88 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ। प्रोसेसर भी इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का। तो 5000mAh का नॉर्मल बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे चार्जिंग में थोड़ा सा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50MP का दिया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है, जिससे अगर आप इंस्टाग्राम वीडियो या यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए यूज कीजिएगा तो काफी अच्छा होगा। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,499 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि 10,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का चौथा फोन आता है माइक्रोमैक्स के तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नॉट वन। देखिए यह फोन भी जो है ना थोड़ा सा पुराना है, लेकिन काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है इस प्राइस रेंज में भी। तो अपना पुराना अंदाज में स्टार्ट करते हैं इस फोन का छोटा मोटा फीचर से। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 196 ग्राम है। 8.9mm का थिकनेस है। 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप 2 4G सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में भी। ये तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले भी जो है इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ। प्रोसेसर भी इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। अब देखिए चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48MP का दिया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16MP का दिया गया है। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है,
आया है कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अगर आप इस फोन से वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो काफी अच्छा होगा, या फिर अगर आप ज्यादा फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तब भी ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4 GB का रैम तथा 64 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 9,999 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि नेट 10,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 10,000 के अंदर में एक धांसू फोन चाहिए वो भी इंडियन ब्रांड का, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है रियलमी के तरफ से, रियलमी C25Y। देखिए यह फोन भी जो है ना ज्यादा पुराना फोन नहीं है और काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है इस प्राइस रेंज में। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 200 ग्राम है। 9.1 mm का थिकनेस है। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 4G SIM तथा 1 memory card को एक साथ लगा सकते हैं। यह फोन जो है एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। 420 नीट्स का ब्राइटनेस दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो यूनिसोक T618 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ। प्रोसेसर भी जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए चार्जिंग में थोड़ा सा समय तो लेगा लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का मेन कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए। कैमरा से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4 GB का रैम तथा 64 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 10,999 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि नेट 11,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए वो भी रियलमी का, तब ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो इस फोन का फीचर ठीक ठाक ही दिया गया है, लेकिन यही है कि इस फोन का प्राइस जो है ना थोड़ा सा ज्यादा है। अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देखें। देखिए अगर आप अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं ना तो पहले वाले या दूसरे वाले फोन को ले लीजिए, क्योंकि हमारे नजर में जो है ना वो दोनों फोन काफी अच्छा फीचर के साथ आता है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा फोन अच्छा है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।